हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, IQ Z5 स्मार्टफोन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, मिड रेंज या बोल सकते हो प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। अब फाइनली IQ जो है इसके सक्सेसर को IQ Z6 को जो है इंडिया में कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट इसके इंडिया लॉन्च डेट यहाँ पर IQ इंडिया ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। स्पेक्स पूरे के पूरे यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट भी IQ इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ पर रिवील कर दिए है। एंड क्या IQ Z6 जो है IQ Z5 का अपग्रेडेड वर्जन रहेगा या स्पेक्स डाउनग्रेड रहने वाला है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर IQ Z6 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो 16 मार्च को ये स्मार्टफोन इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। Amazon एक्सक्लूसिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्मार्टफोन के पूरे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बिल्डर डिजाइन की अगर हम बात करें, बैक पैनल वही टिपिकल IQ वाला डिजाइन, वीवो वाला डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। बैक अगेन यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट का रहेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.58 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलेगा। IPS पैनल रहेगा, AMOLED नहीं रहने वाला है। RAM एंड ROM की अगर हम बात करें, इंडिया में बताया जा रहा है 6GB और 8GB अलग-अलग यहां पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, प्लस UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, LPDDR4X वाला RAM टाइप भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का ये प्राइस पॉइंट पे इसका USP रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको Snapdragon का 695 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, क्योंकि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। Antutu स्कोर की अगर बात करें तो यहां पर आपको 410,000 के अराउंड आपको स्कोर देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो ये प्राइस पॉइंट पे काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी, प्लस 5GB यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 50+2+2 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरा यहां पर अगेन आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा। फन टच OS पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलेगा, एंड बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करेगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको फास्ट चार्जर IQ यहां पर प्रोवाइड कराने वाला है। तो गाइस, ये पूरे आपको यहां पर कंफर्म स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे अपकमिंग IQ Z6 स्मार्टफोन को लेके। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, एंड क्या IQ Z5 का सक्सेसर है, मतलब बेसिकली नाम से तो सक्सेसर है, काम से भी है या नहीं है, आगे चल के यहां पर मैं आपको बता देता हूं। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो IQ इंडिया ने ये स्मार्टफोन को लेके टीजर वगैरह रिवील करा था, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भाई ये जो स्मार्टफोन है 15,000 रुपए से यहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो 15,000 रुपए के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डिसेंट पैकेज लग रहा है। लेकिन एक चीज मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि IQ Z5 अगर आप देखोगे 778G पंच होल वाला, आप बोल सकते हो अच्छा डिस्प्ले बड़ा सी देखने को मिल रहा है, प्लस 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, कैमरास इससे बेटर मिल रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जो IQ Z5 जो इससे बेटर है। IQ Z6 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई AMOLED डिस्प्ले आएगा, 778G या Snapdragon 870 वगैरह IQ लाने वाले, लेकिन ये तो टोटली मतलब हां प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो डिसेंट पैकेज लग रहा है। बट अगर नाम से अगर आप देखोगे, जो हम IQ Z5 का सक्सेसर का वेट करें, वैसा कुछ यहां पर धमाकेदार नहीं लग रहा है। हां, 15,000 रुपए में अगर 695 भी आपको मिल रहा है, बाकी के स्पेसिफिकेशन 120Hz डिस्प्ले, डिजाइन वगैरह अच्छा देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। लेकिन इसका नाम मेरे हिसाब से कोई IQ को नई सीरीज में कुछ रखना चाहिए था, बजट या मिड रेंज वाला नाम, लेकिन IQ Z6 के नाम से मेरे हिसाब से ये जम नहीं रहा है। तो से फोन ओवरऑल 15,000 रुपए की रेंज में सही रहने वाला है। बैंक ऑफर भी अगर ये लोग दे दे 15,000 रुपए से अंदर की प्राइस पॉइंट पर अगर लेके आते तो तगड़ा सॉलिड स्मार्टफोन ये प्राइस पॉइंट पे बन सकता है। वैसे कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ओवरऑल ये स्मार्टफोन के स्पेक्स कैसे लगे, एंड 15,000 रुपए से स्टार्ट होता है तो आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, यानी IQ की जो नेमिंग वगैरह इन्होंने रखी है Z6 वगैरह आपके हिसाब से सही है या नहीं है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।